हमारा खाना लग गया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ और इतनी एक्टिव होके, तो बस अभी चाय का टाइम हो रहा है और तकरीबन अभी 6 बज गए हैं। चाय पी के और फिर रेडी शेडी होना है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार अपनी रेडी शेडी कहाँ होने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वो भी आप पूरा व्लॉग देखिएगा, आप लोगों को बताऊँगी कितने जा रहे हैं। एक्चुअली हमें एक दावत पर जा रहे हैं, ठीक है, वो आप अभी तक सोचें किसकी दावत पर जा रहे हैं और दावत पर क्या कुछ होगा, बहुत कुछ खाने को होगा। सो बस अभी चाय पी लें, चाय पी के फिर तैयार होंगे, फिर आपको अपनी लुक दिखाएंगे। सो जी इधर मैं साथ साथ रेडी हो रही हूँ, साथ साथ रेडी हो रही हूँ और साथ साथ जो है ना चाय भी पी रही हूँ। देखें दो दो काम हो रहे हैं, तो बस कुछ ट्राई ऑलमोस्ट डन है, पी ली भी पर थोड़ी सी देखिए। इसके अलावा मेकअप करने के बाद देन तो हाइपो नहीं बना लूँगी और कोट पहन के ना, हम लाइक कजन्स का ना आज गेट टुगेदर हो रहा है इकट्ठा कज़न के घर पे। चलो लाइक थोड़ा सा यू समझ लो, एक तरह से पार्टी रखी है, चलो यार सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये वजह है। बस अभी मैं थोड़ा फुली रेडी हो जाऊँ, फिर आप लोगों को जो है ना वो अपनी लुक भी दिखाती हूँ। आपकी बहन जो है ना वो रेडी होगी है, रेडी शेडी होगी है, इयर रिंग्स भी पहन ली हैं छोटे वाले और इस्टा लाइक मैंने कोट पहन के ऊपर लाइक स्कार्फ कहते हो या मफलर कहते हो वो ले लिया है। तो बस और क्योंकि डिनर पर जा रहे हैं सारे इकट्ठे होंगे तो इसलिए लाइक इसलिए मैंने इस टाइप की थोड़ी ड्रेसिंग रखी हुई है। और बस अभी मैं रेडी शेडी हम लोग हो गए हैं, मैं बाल मैंने हाइपनी बना ली है, तो मैं अपनी कज़न को वेट कर रही हूँ, लेने के लिए आएगी और फिर हम लोग इकट्ठे निकलेंगे। इस तरह के मैंने ये शूज़ पहने हैं, ठीक है, साथ में कुर्ता है और ये इस तरह के पहन लिए मैंने, कहा चलो या ना ज़्यादा लॉन्ग बूट्स पहनूँ, यही ठीक है। चाची हैं, कज़न है, अमीरा रस्ते में दूसरी बब्बू को भी पिक करना है, सर आगे दूसरे कज़न की तरफ जाएंगे खाने के लिए, और इधर पहुँच के इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर करते हैं। ये पहुंच गए घर पे और ये कैटो भी गुजरी है, बस अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के फिर जो भी है हम लोग अपडेट देंगे आप लोगों को। चलिए जी बारी गिट्ठी चलाई गई है, वो बॉन फायर टाइप ये एंट्रेंस है, ये अगर ड्राइंग रूम आ जाता है, ये ऊपर स्टेयर जाती हैं और ये डाइनिंग रूम बना हुआ है, सामने किचन बना हुआ है। सो जी ये डेकोर किया गया है, देख सकते हैं आप, लाइट प्रॉपर चल रही है। देखते हैं खाने में क्या बन रहा है। ये सालन है समथिंग, कीमा है, बहुत कुछ है, ये भी कुछ राइस दम भी है, मैं पता नहीं क्या है, और ये भी है, ये भी कुछ रखा हुआ है, दोबारा से बनाओ सारी ना उसकी। बाकी इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं ये फ्रेश फ्रेश सारा कुछ बना हुआ है, गोश्त है, एक पालक है, कीमा मटर है, और ये पता नहीं कौन सी सब्ज़ी है, एक भरता बैंगन का है, बाकी और भी चीज़ें बाहर लेने के लिए गए हैं मैं, ठीक है, और जो जो चीज़ें आएंगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर क्या देखते हैं, ऊपर प्ले रूम बना हुआ है, प्ले एरिया बना हुआ है बच्चों का, ठीक है, ये बना हुआ है, इधर भी वो गर्म गर्म हुआ हुआ है क्योंकि ये सब सब जगह पे चलाया हुआ है पूरे घर में ना, ये लाइक हीटर कह दो ये ऑन है और पूरा कमरा गर्म है। एक ये बेडरूम आ जाता है और एक ये बच्चे का बेडरूम आ जाता है, सामने छोटा सा वो बनाया हुआ है इन्होंने ऊपर थोड़ा किचन के लिए कुछ ऊपर कुछ चीज़ हो, आप लोग इधर वॉश कर सकते हैं हाथ या कोई चीज़ रख सकते हो, ये चीज़ें हैं। मेरे बच्चों का हाल देखो मेरा, इधर सारे बच्चे खेल रहे हैं और ये सारा कुछ इतना ये डाला हुआ खिला रहा, ठीक है, ये चक्कर है मेरी कज़न का ठीक हो गया। और इसके अलावा ये बाथरूम है, देख सकते हैं आप लोग,
वार्डरोब बहुत अच्छा बना हुआ है, इधर वार्डरोब सारा सिस्टम लगाया हुआ है, देख सकते हैं। शावर एरिया है, तो ये शावर एरिया है, ये वार्डरोब एरिया आ जाता है, ये चेक करें ठीक है। और इसके अलावा नीचे आओ तो एक ये बेडरूम बना हुआ है, इधर गेस्ट रूम कह दो, और एक ये बेडरूम बना हुआ है ठीक है, और दो ऊपर बेडरूम हैं। और इसके अलावा किचन है, काफ़ी खुला घर है माशाल्लाह। तो बस अभी बाकी लोग आ रहे हैं और फिर अभी हम लोग चलते हैं, अभी खाना लगेगा। फिर ये किचन है, किचन के बाद ये मेन किचन है, फिर आगे डर्टी किचन, ये डर्टी किचन आ जाता है ठीक है। ये डर्टी किचन है, डर्टी किचन में इधर भी चूल्हा रखा हुआ है, और इसके अलावा इधर बर्तन रखे हुए हैं, ज़्यादा काम कुछ हो तो वो इधर ज़्यादा सारा काम हो जाता है ठीक है। बाकी ये चीज़ है, और ये मेन किचन ही आ जाता है, मेन किचन में भी खाना बन रहा है क्योंकि प्रॉपर सारी सबके दावत है, तो इसलिए है। इधर टोटली जो है ना वो चाइनीज़ हैं, देख सकते हैं आप लोग, खाना है मटन सारा कुछ, जो पहले ऑलरेडी दिखा चुके हैं, हमारा खाना लग गया आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मिक्स प्लेटर बना दिया चाइनीज़ का, चीनी आप में से लेगा कोई, वैसे गुड़ भी आ रहा है टेस्ट करना। खा लिया, ये भी केक ख़त्म हो गया, ये भी लेयर्स का था, और इसके अलावा मीठे में ये भी खाना था, मीठे में दो तरह के हलवे थे देख सकते हैं आप लोग। और ये केक ना खूबसूरत लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कज़न ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, सब लोगों को अच्छा लगा होगा आज का सारा कुछ। ये जो है बैक साइड से रास्ता निकलता है फाउंटेन टाइप का, अभी जो पानी बंद किया है सर्दी की वजह से, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। निकल रहे हैं अपने घर के लिए जा रहे हैं, अब्बू हमारे इन चीज़ों में कुछ रहते हैं। सब लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप इधर जो है लोकेशन लगा रहे हैं टावर में, घरों को घुसा के ना, अभी निकल रहे हैं, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। घर पहुँचे हैं और इसके अलावा बहुत मज़ा आया, सभी घर पहुँचे हैं और इस वक्त फिलहाल रात का जो टाइम बज रहा है ना 1:30 बज रहा है, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो फिलहाल बस मैं अपनी ब्लॉग कर दे एंड करूँगी। ऊपर वाले पोर्शन में आई हूँ तो बस अभी सांस भी चढ़ गया, मैं अपने व्लॉग इधर ही एंड करूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।